दरअसल यह पूरा मामला जिला बिजनौर के नहटोर के मोहल्ला जिगर कॉलोनी का है, जहां कब्रिस्तान में एक युवक लहूलुहान अवस्था में पड़ा हुआ था। लोगों ने पास जाकर देखा तो उसकी पहचान मौलवियान निवासी राशिद पुत्र रफन 30 वर्ष के रूप में हुई है। किसी ने उसके गले पर धारदार हथियार से वार कर जान से मारने का प्रयास किया था। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को CHC में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उसकी हालत गंभीर देखते हुए बिजनौर रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि राशिद दिल्ली में नाई की दुकान चलाता है और वह 5 दिन पहले अपने घर आया था। घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है। SP डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने बताया कि घायल अवस्था में मिले युवक के गर्दन पर भी चाकू के निशान है, जिसे मुरादाबाद रेफर कर दिया गया है। जाँच की जा रही है। राशिद नाम का 26 वर्षीय युवक बैरम नगर में घायल अवस्था में पड़ा था। पुलिस ने जांच पड़ताल किया, देखा, हॉस्पिटल ले गई तो ज्ञात हुआ कि इसको स्वयं या किसी ने उसके हाथ में गले में ब्लेड से चोट का निशान पहुंचाया है। बेहतर उपचार के लिए परिजनों के अनुरोध पर उसे मुरादाबाद रेफर किया गया है। संपूर्ण घटनाक्रम का जाँच पड़ताल किया जा रहा है। फिलहाल रंजिश का कोई पता नहीं है। तदनुसार अग्रिम अभियोग पंजीकृत करके विधि कार्रवाई की जाएगी।